अब एकदम ध्यान से देखना है, सारा इधर उधर का ध्यान हटा देना है अपने। बच्चे कह रहे हैं सर लास्ट वाली एंट्री रॉन्ग है, देखते हैं क्या रॉन्ग है। भाई बताओ क्या गलत किया हमने, गलत किया है क्या? 100 शेयर था भाई, क्या रॉन्ग है आप बताओ, सही तो है ये। 13B 14B सारा सीक्वेंस से चलेगा, चिंता मत करो। लगता है उन्होंने अपना बताया कि मेरा रॉन्ग है। इस क्वेश्चन को करते हैं, नाम भी डायनेमिक है और सवाल भी काफी डायनेमिक है। ये क्या कहता है क्वेश्चन को ना, समझ लिया आपने, समझो हो गया, क्या कहता है सवाल यहां पे? कहता है क्वेश्चन, डायनेमिक लिमिटेड मेक एन इशू 5,000। कहता है भैया एक कंपनी है जिसने इशू किया, हम बड़े आराम से करेंगे इसको और आराम से आपने भी देखना है, 5,000 शेयर इशू किए हैं। इसके बाद कहता है कि इक्विटी शेयर 100 रुपये का एक है और जिसपे 12.5 रुपए का प्रीमियम है, तो सर इसका मतलब 100 रुपए और प्लस 12.5, 12.5, 12.5। आगे चलते हैं, कहता है 25 रुपए, आगे कहता है 12.5 रुपए ऑन एप्लीकेशन। तो यहां पे अलग अलग कैटेगरी और अलग अलग चीजें, क्या क्या है? 12.5 है ना, इसके बाद 25, क्या इंक्लूडिंग प्रीमियम कहता है? यस। तो इसका मतलब सर यहां दो बातें हैं, 12.5 का हमारा शेयर कैपिटल एंड 12.5 का हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। आगे कहता है 50 रुपये, सर ये रहा फर्स्ट कॉल 50। इसके बाद कहता है सेकंड कॉल पे कितने का? 15। क्या ये हो गया हमारा काम? एक फाइनल भी है और फाइनल कितने का है? 10 का। फाइनल कितने? कुछ बच्चों का ना एक सवाल होता है, सर ये चैप्टर छोड़ दें तो फिर क्या हम आगे के चैप्टर समझ पाएंगे? तो मेरा जवाब हमेशा रहेगा नहीं, आप करिए तो पूरा करिए, नहीं तो एग्जाम में आपको दिक्कत होगी फिर। चलो आगे, यहां तक पढ़ चुके हैं। द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ड्यूली रिसीव, इन एडिशन होल्डर 2,500 पे फुल ऑन अलॉटमेंट। कहता है भैया एप्लीकेशन का भी पैसा ठीक ठाक आ गया, अलॉटमेंट का भी पैसा ठीक ठाक आ रहा था, लेकिन एक यहां शेयर होल्डर आया, एक यहां शेयर होल्डर आया, इसने बोला अलॉटमेंट पे मैं फुल दे देता हूं। तो सर अलॉटमेंट का फुल का मतलब क्या होता है? कि ये भी एक्स्ट्रा दे रहा होगा, ये भी देगा और ये भी देगा, यानी 50, 10, 60 और 5, 15, 75 रुपए। ये 75 रुपीज पर शेयर के हिसाब से यहां पे एडवांस पैसा दे रहा होगा, एडवांस। और इसके पास थे कितने शेयर? सर इसके पास थे 2,500। तो पहली कहानी समझिए, क्या समझ में आया पहली कहानी? मैं बिल्कुल धीरे धीरे लेके चलूंगा इस सवाल में, मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं कई बार अगर जल्दबाजी कर दूं फिर दोबारा बोलूंगा सर दोबारा समझा दो, तो फायदा नहीं है। पहले ये समझ में आए क्या बोला इसने, यानी अलॉटमेंट के टाइम पे ज्यादा पैसा देगा। सर 12.5 ऑलरेडी इंक्लूड इन 100, 12.500 में कैसे होगा? कहता है प्रीमियम पर शेयर पेबल कभी भी इंक्लूड नहीं होता, अलग से होता है वो हमेशा।
इंक्लूड नहीं है। पहले जो मैंने कहा कराया ये एक बार बताइए, क्लियर है तो हम आगे बढ़ें। जितने बच्चे लाइव में बता दें फटाफट। यस, बस एक बच्चे ने बोला आदित्य ने। आदित्य, अदिति, हीना, दिवीज, सभी बच्चे कह रहे हैं सचिन। क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए, जब सभी बच्चों ने बोल ही दिया है तो अगले बात पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? यहां तक हम पढ़ चुके हैं। होल्डर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास 100 शेयर है, फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड आफ्टर ड्यू नोटिस देयर शेयर फोरफिटेड। कहता है कि भैया एक होल्डर 100 शेयर था, उसने क्या करा, फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए एंड आफ्टर ड्यू नोटिस इसको नोटिस दिया गया और शेयर फोरफीचर कर लिए गए। यानी सर यहां पे एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास कितने शेयर है और इसका यही फोरफीचर कर लिया गया, यही, यानी इसको हमने आगे का मौका ही नहीं दिया, इसका यही फोरफीचर कर लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट पेबल ऑन सेकेंड कॉल मेड, जब सेकेंड कॉल मांगा तो मेड आफ्टर द फोरफीचर आर पेड फुल एक्सेप्ट द होल्डर 50 शेयर फेल टू पे। अब कहता है भैया जब हम फर्स्ट कॉल पे फर्स्ट है सेकेंड, द अमाउंट पेबल ऑन सेकेंड कॉल, सेकेंड कॉल कौन सा, ये है फर्स्ट सेकेंड, हाँ तो सर सेकेंड कॉल पे जैसे पहुंचे हम तो सेकेंड कॉल पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सभी ने पैसे दिया, लेकिन यहां पे भी एक व्यक्ति ऐसा आया जिसके पास कितने शेयर थे 50, उसने भी बोला भैया मैं तो नहीं दे पाऊंगा तुम्हें, यानी अल्टीमेटली यहां भी 50 शेयर फेलियर हो गए। आगे थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड लाइन है, कहता है 75 आउट ऑफ 100 शेयर। अब देखेंगे फोर फीचर की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो फोर फीचर कितने शेयर हो गए हैं, एक तो ये फुल दे गया, एक तो ये फोर फीचर हुआ और एक ये 50, तो कहता है 100 वाले में से, तो 100 वाला किसकी बात कर रहा है ये, यानी अभी सिर्फ इसी की चर्चा चल रही है, इसी के शेयर में से 75 आउट ऑफ 100 शेयर फोरफिटेड, री इशू क्रेडिट 90 पेड। कहता है भैया सिर्फ मैंने इसी में से बेचे हैं, ये नहीं बेचे, इसमें से भी 75 शेयर बेच दिए और मैंने 75 शेयर बेचे कितने रुपए में, 90 में, 75 शेयर कितने का बेचा, 90 पेड अप फॉर 65 पर शेयर। कहता है कि भैया 90 के बदले 65, अभी इसको हम समझेंगे भी ये क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है ये। द न्यू होल्डर पे दीज शेयर इन फुल, और जो ये नया नया शेयर होल्डर आया है ये सारे शेयर फुल दे गया, ये क्या कर गया फुल, इससे 90 मांगे, इसने बोला भाई 90 छोड़ो मैं तो पूरे 100 देता हूं, समझ रहे हो बात को। द बैलेंस ऑफ 10 पर शेयर बींग ट्रीटेड एज अ कॉल्स इन एडवांस, और जो इस फालतू के पैसे दे गया एक्स्ट्रा उसे क्या माना जाएगा, कॉल्स इन एडवांस माना जाएगा। The final call is made full including the arrear of second call. कहता है भैया final call पे आए तो भैया ये जो व्यक्ति था इसने भी अपना पैसा paid कर दिया, इसने पैसा क्या करा paid कर दिया, जो fail हुआ था forfeiture तो हुआ नहीं इसका, तो final call पे इसको क्या कर दिया, इसने paid कर दिया full including the arrear second call. Show the necessary journal entry including the cash book dynamic. मैं cash book नहीं बनाऊंगा, कैशबुक आपने बनाना है। तो इस क्वेश्चन में काफी सारा कॉम्प्लिकेटेड चीजों को रखा गया है कि भाई एक फेल हो रहा है, एक एडवांस दे रहा है, क्या कर रहा है क्या कर रहा है, तो हमें बहुत सावधानी के साथ एंट्री करनी पड़ेगी। तो मैं ज्यादा स्पेस भी लूंगा और आराम से करूंगा, आप एंट्री को देख देख के बताते जाइएगा जिसका डाउट होगा। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, सर शेयर थे हमारे पास 50,000, 50,000, 5,000 थे, 5,000 इंटू में सर, अब हमारा 12.5 रुपये, 12.5,
देखो ये सवाल ना मुश्किल तब होता जब इसमें एडवांस होता है, एडवांस तो दिया ही नहीं सवाल में, मतलब कि फुल ओवर सब्सक्राइब हुआ ही नहीं 12.5, तो ये आसान सवाल बन जाता है इस हिसाब से। टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन बताइए कितना आएगा फटाफट, कितने 72,000। लेकिन मैं कहूँगा जो बच्चा ये इस तरीके का सवाल समझ जाता है तो मैं मान लूंगा कि उनको ना बहुत अच्छी पकड़ बन गई है लगभग लगभग इसमें, कि उसे दिक्कत नहीं आएगी अब। लेकिन जिस बच्चे को हर एक सवाल लगता है कि मेरे लिए जीवन में नया सवाल आया ये, तो उसका तो कुछ नहीं हो रहा, वो सिर्फ और सिर्फ समझ नहीं रहा, उसे बस कोशिश ही कर रहा है वो। अगली एंट्री कर देते हैं क्या, ये लो ये गलत क्यों बताए फिर 62,500 शेयर एप्लीकेशन 62,500 लिख दिया 62,500, चिंता मत करो। शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 62,500। चलिए अलॉटमेंट करें, और अलॉटमेंट पे मजेदार एक एंट्री भी है, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। एंट्री देखें तो कितना बनता है, सर हमारा 5,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये आ गया हमारा 1,00,000, शेयर कैपिटल में आधा आ जाएगा 62,500। अब बैंक की एंट्री देखना आप, हम बैंक में एंट्री करेंगे तो बैंक में आना चाहिए 1,25, लेकिन एक व्यक्ति यहां से सोचना, इसने एडवांस दिया तो ये वाला थोड़ी एडवांस देगा, एडवांस तो आगे वाला देगा, तो इसका एडवांस अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 50, 65 और 75, इसका एडवांस होगा 75 × 2,500, तो कितना बनता है, क्यों करेंगे 50 से 50, 15 और 10, पूरा फुल, क्या कहता है ये फुल, फुल का मतलब सब कर दिया इसने, ठीक है, कितने, तो यहां पे प्लस हो जाएगा 187, कहां गया मेरा कैलकुलेटर, रखा है इधर रखा है, 187,500 सर, तो कितने पेमेंट आएगा, देखो 3,12,500 टू शेयर अलॉटमेंट 1,25,000 और टू कॉल्स इन एडवांस। अब देखो एडवांस यहाँ क्रेडिट हो रहा है, तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर क्रेडिट कैसे हो रहा है, डेबिट करा था भाई, लेते टाइम पे क्रेडिट होता है, तो 187,500 ये देखिए, यहां तक क्लियर है आपको, जिन बच्चों को क्लियर नहीं है अब क्लियर हो जाएगा थोड़ा। अलॉटमेंट भी कर लिया, अभी बहुत आगे कहानी बाकी है, किसी को दिक्कत अलॉटमेंट तक, अब इसके बाद कहां जाएंगे हम, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे क्या हुआ, शेयर फॉरफीचर हुआ और कुछ एडवांस भी रहा, तो मैं फर्स्ट कॉल यहां करने जा रहा हूं, फर्स्ट कॉल क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सर 5,000 × 50 तो 2,50,000 और 2,50,000 मांगना तो सभी से है। अब पैसा कितना आएगा ये देखिए, सर पैसे की बात करते हैं, बैंक में पेमेंट आना है, बैंक में पेमेंट आने कितना 2,50,000, तो सबसे पहले फेलियर को निकाल देते हैं,
100 शेयर इंटू में 50, उसके बाद एडवांस भी निकाल देते हैं 2500 इंटू में 50, क्योंकि हम यहीं का एडवांस निकालेंगे, सारा थोड़ी यहीं एडजस्ट कर देंगे, सिर्फ यहीं का एडवांस निकालेंगे। कॉल्स इन एडवांस अभी समझाते हैं सारा, इस एंट्री को करने के बाद फिर समझाएंगे। माइनस ये 50 है तो माइनस 50 यानी 5000, 2.5 लाख माइनस में 5000, माइनस 1 लाख 25000, 1,20,000, 1,20,000 आएगा ना। अब यहाँ आएगा कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर 5000, कॉल्स इन एडवांस 1,25,000, टू शेयर फर्स्ट कॉल 2.5 लाख। अब दोबारा देखिए, एडवांस कुछ बच्चे बोल रहे हैं समझा दो भाई, इसने क्या कहा था मैं अलॉटमेंट पे, देखिए क्या कहा था, कहता है द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ड्यूली रिसीव, ठीक है भाई, एंड एडिशन होल्डर, एक होल्डर जो था जिसके पास 2500 शेयर थे, पे इन फुल, कहता भैया मैं पूरा पैसा दे दूंगा अलॉटमेंट पे, तो भैया इसके पास 2500 शेयर है, ये पे फुल की बात कर रहा है, इसका मतलब ये आगे के पैसे देना अलॉटमेंट पे ही चाह रहा है, तो अलॉटमेंट के टाइम पे वो एडवांस के नाम से कॉल हो जाएगा, तो कितना देना चाह रहा है 75 रुपए, तो इसी को इंटू करा तो 187,500 आया, तो हमारे बैंक में आने चाहिए थे कायदे से 1,25, लेकिन एडवांस वाला भी आ गया तो 3,12, अलॉटमेंट के इतने थे और एडवांस ये था। इसके बाद जब फर्स्ट कॉल पे गए तो फर्स्ट कॉल हमने ये मांगा, लेकिन एडवांस वाला पैसा नहीं आएगा, तो एडवांस का पैसा कितना था, ये था, और सर जो एरियर है नया शेयर होल्डर बिल्कुल, उसका भी पैसा नहीं आएगा, यहाँ लिखा हुआ है। अब बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस और टू शेयर फर्स्ट कॉल हमने लिख लिया। यहां तक बताइए मुद्दे में किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत? फिर हम आगे बढ़े, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे इस सवाल में। यहां तक किसी को दिक्कत? यस और नो में जवाब दे दीजिए। बच्चे कह रहे हैं कुछ नो, समझ आ गया नो। अब बारी है किसकी? अब बारी है फर्स्ट कॉल की। हाँ, पहले शेयर फॉरफीचर फिर सेकंड कॉल, पहले शेयर फॉरफीचर फिर सेकंड कॉल, ठीक है ना। तो चलिए सर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इस पे क्वेश्चन है तो यहीं पे एक शीट ऐड करते हैं। चलिए शेयर पहले फॉरफीचर कर लिया जाए, किसका, जिसके पास कितने शेयर थे 100, तो 100 शेयर का फॉरफीचर करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो सर उसका इक्विटी शेयर कितने 100, चलिए चेक करते जाएंगे। भैया ये यहां था तो ये सारे पैसे को जोड़ेंगे, प्रीमियम यही निकल गया, फेल यहां हुआ तो प्रीमियम का रोल ही खत्म, तो ये 25 रुपए हो जाएगा और एक ये 50 रुपए हो जाएगा, तो 75 रुपए से यहाँ एंट्री होगा। इंटू में 75, दैट इज 7500। टू शेयर फोर फीचर, सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा नहीं, तो सर 100 इंटू में सिर्फ उसने कितने दिए, उसने 25 ही दिए थे बस, यानी सर 2500, और सर टू कॉल्स इन एरियर कितने हैं सर आपका 5000, कैसे सर 100 इंटू में 50, ये लीजिए फोर फीचर हो गया। यहां तक समझ में आया आपको तो आगे बढ़े हम, यहां तक क्लियर हो तो हम आगे बढ़े, क्लियर। अब करेंगे हम अगेन अगले कॉल की बात, अभी रीइशू नहीं किया, रीइशू कब किया सवाल में देखिए, सवाल में कहता है कि 75 कहता है कि आर फुल पेड, यानी सेकंड कॉल के बाद किया इसने, यानी सेकंड कॉल के बाद, तो अभी तो नहीं किया इसने रीइशू, तो अभी हम पहले कॉल कर लेते हैं सेकंड कॉल, तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल,
टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने आएंगे? अब ये आएगा 4900। यही तो गलती करते हैं बच्चे, क्योंकि 100 तो मर गए ना, 100 शेयर तो निकल गए, तो अब कितने आएंगे? 4900 इनटू में देख लेते हैं कितना है, इनटू में देख लेते हैं कितना है, 15। तो ये छोटी छोटी गलती है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 5000 क्यों नहीं करा, भाई 100 शेयर को तो निकाल के बाहर ही कर दिया आपने, तो वो तो है ही नहीं ना, वो अब तो शेयर होल्डर, तो ये ध्यान रखना है आपने। तो कितने आ गए सर? ये आ गए इनटू 15 यानी 73500 इक्विटी शेयर में, 73500। चलिए अब आ गई होगी वॉइस, चेक कर लीजिए। अब आ गई वॉइस, यस। चलिए तो मैं क्या कर रहा था, मैंने ये एंट्री करा, मैं बता देता हूं। 4900 लिखा सर, 4900 क्यों लिखा? क्योंकि 5000 में से 100 शेयर को तो हमने फोरफीचर किया, तो फोरफीचर का मतलब आपकी कंपनी का पार्ट वो तो इशू से बाहर निकल गया, तो इसलिए 100 माइनस होके 49 हो गया। अब पैसे मांगने गया बैंक से, इसको साफ साफ लिख देता हूँ, इसको साफ साफ लिख देते हैं, दोबारा कर देते हैं क्योंकि वॉइस चली गई थी। यहाँ लिखते हैं बैंक, बैंक अकाउंट सर मुझे मिलना था 73500 माइनस 2500 जिसने एडवांस दिया होगा 15 के हिसाब से, वो नहीं आएगा, माइनस फेलियर नहीं आएगा सर। फेलियर कितना है यहाँ पे? 50 शेयर है और ये नया शेयर फेलियर है 15 से इंटू करके, तो आ जाइए सर 50 इंटू में 15, ये मैंने डिटेल लिखा है और इसको मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ। यहाँ सॉल्व करके इतना जगह छोड़ने के बाद भी कम पड़ गया ये, चलिए इनटू में 15, ठीक है। तो सर 50 इंटू में 15, तो ये तो 750 हुआ बेचारा, 2500 इंटू 15 750, 73500 ये आ गया 32250, 32250 कॉल्स इन एडवांस कितने आ गया? 37500 कॉल्स इन एरियर 750, टू शेयर सेकंड कॉल 73500। ये लीजिए डन, यहां तक कर लिया। बताइए इस वाली एंट्री में किसी को डाउट, सर 32250 आएगा, गलत बता दिया, कहां पे 32250 आएगा? ये बोल रहे हैं शायद बच्चे 2500 इंटू 15, भाई आप भी कैलकुलेटर लेके, ये तो सही था 37500 और प्लस 750 माइनस 73500 35250 आएगा, 35250 ठीक है, 35250 ठीक है। चले आगे, समझ में आ रहे हैं? तो यही है, लाइव क्लास में गलती होने के चांसेस कम है। अब अगली एंट्री से पहले क्या कहता है सवाल को पढ़िए। कहता है द अमाउंट पेबल ऑन सेकंड कॉल मेड After forfeiture, यानी forfeiture के बाद second call मांगा गया,
एंड पेड इन फुल, और पेड फुल किया गया, और पेड फुल किया गया। सर लास्ट वाली एंट्री मैं अभी दोबारा रिपीट करूंगा, पहले एक और एंट्री पे आ जाता हूं। कहा पेड इन फुल एक्सेप्ट होल्डर 50, 50 ने नहीं दिया, फेल्स टू पे। अब आगे कंटिन्यू में कहते हैं 75 आउट ऑफ 100 शेयर फोरफिटेड री इशू क्रेडिट विथ 90। कहता है हमने बोला भैया तुम्हें 90 का सर्टिफिकेट देंगे, तुम्हें हम 90 का सर्टिफिकेट देंगे। ये है सर्टिफिकेट की बात। इसके ऊपर एक मैं कुछ क्वेश्चंस कर लूंगा। कहता है तुम्हें 90 का हम सर्टिफिकेट यानी शेयर कैपिटल देंगे, तुम जो है ना तुम क्या करना, तुम 65 रुपए पेड कर देना, बस तुम 65 पेड करो, तुम्हें हम सर्टिफिकेट कितने का दे देंगे, 90 का। इसने बोला भैया फिर 90 का सर्टिफिकेट देने का मतलब फिर 10 तुम बाद में भी मांगोगे, है ना, फाइनल कॉल पे। इसने बोला मैं एक काम करता हूं, मैं तुम्हें 65 तो दे ही रहा हूं और 10 वो भी दे देता हूं, यानी लो 75 और कहानी खत्म, मुझसे मत मांगना अब। आगे कहता है द न्यू होल्डर पे शेयर इन फुल। ये लाइन से पता चल गया नया शेयर होल्डर कौन है जिसको रीइशू कर रहे हैं, उसने पे फुल किया क्योंकि उसको सर्टिफिकेट मिला कितने का, सिर्फ 90 का, और वो बोल रहा है मैं पूरे दे देता हूं, तो कितना एक्स्ट्रा देगा, और वो 10 ही तो देगा एक्स्ट्रा, क्योंकि यहां फोर फीचर जब हुआ तो इससे आगे का यही तो पेंडिंग रह गया मांगना, तो ये 10 देगा आगे। और बैलेंस 10 पर शेयर बीइंग ट्रीटेड एज अ कॉल्स इन एडवांस, बोला गया जो 10 उसने एक्स्ट्रा दिया उसे कॉल्स इन एडवांस मान के आप करना। अच्छा जी चलिए करते हैं अगली एंट्री। हम रीइशू करने जा रहे हैं, रीइशू में क्या होगा, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, तो उसने कितने दिए, 75 दिए, 75 इंटू में कितने शेयर, सिर्फ 75 शेयर ही रीइशू किए गए, हमने 100 में से 75 शेयर रीइशू किए, तो देखो 75 के चक्कर में मत फंस जाना, हर जगह 75 75 आ रहा है अब तो, समझना। मैं लिख भी देता हूं सर, ये नंबर ऑफ शेयर्स है, ये शेयर्स है, ये रुपीस है, सर कैसे आया ये, 65 जमा में 10, 65 जमा में 10, 65 में 10, ये 10 क्या था सर, एडवांस था, और ये क्या था, ये तो करंट में पेड कर रहा है, समझे बात आप, तो 75 इंटू 75 5625, 5625। अब यहां पे आ जाएगा नुकसान भी है सर, क्योंकि आपको 65 रुपये मैंने मांगा और सामान 90 का दे दिया, तो नुकसान है 65 माइनस 90, 25 रुपये का नुकसान है सर, तो यहां पे आ जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, कितने 75 शेयर पे 25 का नुकसान, 75 शेयर पे 25 का नुकसान, ये आ जाएगा 1875, 1875। अब इसके बाद सर नुकसान है तो कोई बात नहीं, शेयर कैपिटल दो, और कितने का कैपिटल देने का प्रॉमिस किया है, 75 इंटू में 90, इससे ज्यादा थोड़ी बोल रहे हैं आपको हम कैपिटल देंगे, तो कैपिटल मिल गया आपको 6750, और उसके बाद बाकी का हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, सर कितना आएगा कॉल्स इन एडवांस, 75 इंटू में 10, यानी यहां भी आ गया 750, ये बना री इशू, तो थोड़ा डिफरेंट री इशू आया है यहाँ पे। देखिए अब मेरे से कोई भी एंट्री, एक बच्चा पूछ रहा सर इसको बताओ आप, तो सेकंड कॉल में देखो ये कितना था, 49, 49 कैसे आया सर, 5000 माइनस में 50, 100 सॉरी, जो कि फोर फीचर हो गए। अब यहाँ पे टोटल हमें मिलना कितना था, 73500, जिसने एक व्यक्ति ने पूरा एडवांस दिया था, देखो इसने पूरा एडवांस, तो ये भी तो एडवांस दिया होगा 2500 इंटू में 15, तो ये भी एडवांस दिया होगा 2500 इंटू में 15, और एक व्यक्ति दे ही नहीं रहा, तो ये वाला तो है एडवांस और ये वाला है फेलियर, तो इसके हिसाब से मैंने कैलकुलेशन कर लिया। एडवांस में देखिए एडवांस के हिसाब से अमाउंट, फेलियर में फेलियर के हिसाब से अमाउंट, री इशू मैंने कर दिया। किसी को दिक्कत है तो बताइए यहां तक, किसी को दिक्कत, री इशू में काफी बच्चों को दिक्कत हो सकता है, तो मैंने कहा देखिए शेयर फोर फीचर किए मैंने कितने सर आपके 100, इसमें से मैं री इशू करूंगा कितना सर, इसमें से री इशू करूंगा मैं कितने 75, और 75 मैं बोल रहा हूं कि आपको 90 रुपए का सर्टिफिकेट दे दूंगा, शेयर कैपिटल दे दूंगा, बस आप मुझे पेड कर दीजिए, कितना पेड कर दीजिए, 65 रुपए। तो जो शेयर होल्डर है उसने बोला डन,
मैं आपको ये पेमेंट करने को तैयार हूं 65, लेकिन इसके बाद भी तो आप हमसे मांगेंगे 10, तो मैं अभी पेड कर देता हूं एडवांस। तो इसने मुझे टोटल में कितना पेड किया, 75। तो 75 में से 10 तो आगे का एडवांस था, 90 के बदले उससे 65 मांगा गया। तो इसके बीच का जो डिफरेंस था ना, 90 और 65 के बीच का 25 रुपए, ये क्या था, लॉस, जो कि हमारा कहां से एडजस्ट हो गया, शेयर फोर फीचर से एडजस्ट हो गया। समझ रहे हो बात? फिर देखिए, बैंक अकाउंट में 75 क्यों आया, 65 जमा में 10 ये अमाउंट आ गया, शेयर फोर फीचर में नुकसान 25 का, जो ये 25 निकाल के दिखाया। इक्विटी शेयर तो मैंने बोला अभी 90 ही मिलेंगे, क्योंकि सभी के साथ बाकी का कैपिटल मिलेगा, और 75 × 10 ये आपका हो गया कॉल्स इन एडवांस। क्लियर है आपको यहां तक? 75 × 10 बताइए यहां तक। बताइए है क्या डाउट यहां पे? जिसको भी डाउट है पूछ लीजिए। क्लियर है? नो no. सभी बच्चे कह रहे हैं कोई डाउट नहीं। इस सवाल को मैं बोलूंगा आप घर पे जाके फिर से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये भूलने वाला सवाल है थोड़ा सा। अब आगे एंट्री कौन सी करेंगे? सर फाइनल कॉल मांगो, शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने आएंगे बताइए? टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कौन बच्चा बताएगा कितने आएंगे? कौन बताएगा? तो मल्टीप्लाई किससे करें? 10 × 49 50 49 50 नहीं 49 75। यहां भी बच्चे गलती करेंगे। भैया 100 को हमने खत्म कर दिया था, वापस 75 को जिंदा भी तो किया हमने बेच के, तो वो भी तो नए शेयर हो गए हैं, तो वो भी आएंगे। तो हर कदम पे आपसे गलती करवाएगा ये। अभी एक एंट्री तो भूल ही गए, कैपिटल रिजर्व, वो तो अभी करेंगे। नहीं, लास्ट में नहीं जाएगा सर, कैपिटल रिजर्व यहीं जाना है, उसको लास्ट में कैसे लेके जा सकते हैं जहां, चलो इसको लास्ट में ले जाते हैं। ये मैंने पहले ही सस्पेंस खोल दिया, कैपिटल रिजर्व का भूल गए। तो शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। सर अब रीइशू जो हुआ है ना, वो सारा नहीं हुआ है, तो अब हमें अमाउंट कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर कमाई जो थी हमारी शेयर फोर फीचर पे, इधर ही है, कमाई हमारी 2500 थी, लेकिन ये 100 शेयर पे था, तो अब हमें क्या करना होगा, 2500 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 75। पहले तो ये चेक करना होगा कितने हो गए, 1875। सर 1875 का आपका कमाई था, नुकसान कर बैठे आप कितने का, 1875 का। तो मजे की बात, ये जीरो आ गया, ये क्या आ गया हमारा, जीरो आ गया। ठीक है, चलिए ये समझ में आया। चलिए इसमें अमाउंट डालते हैं, 49,75 × 10 49। नहीं, मैंने करके चेक तो किया ना, आप नहीं करेंगे तब भी चलेगा, जीरो लिख देंगे तब भी चलेगा, गलत नहीं होना। और बींग देखिए, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए, बींग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हमने पहले स्टार्टिंग में सीखा वही रहेगा, शेयर फोर फीचर, शेयर रीइशू, अलॉटमेंट, ड्यू, रिसीव, ये सब। अब आगे चलते हैं, बैंक में पैसा। अब यहां भी एक ट्विस्ट है, बैंक का पैसा। बताइए बैंक में कितने पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट हमें मिलना चाहिए था 49,750 माइनस में एडवांस वाला पैसा, उसे भूलना नहीं है, और कोई फेल भी है क्या, कोई नया बंदा फेलियर भी है? बिल्कुल बिल्कुल, एक नया बंदा फेलियर है क्या यहां पे? कोई नहीं है भाई, फाइनल कॉल पे कोई फेलियर नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहे हैं फाइनल कॉल पे। लेकिन बल्कि
फाइनल कॉल पे एक और एडवांस है, एक और एडवांस है, देखते जाइए। सर वो भूल गए 75 शेयर, जिसने बोला था मैं अभी दे के जा रहा हूं, तो वो भी तो एडवांस माइनस हो जाएगा, वो भी तो पैसा नहीं देगा हमें, ठीक है ना। तो जो भी आता है हम देखते जाएंगे। इसके बाद पुराना जो फेलियर 50 शेयर होल्डर चल रहा था, वो बोलता था मैं भी दूंगा पैसे, अब सब दे रहे हैं तो मैं भी दूंगा, तो इसने भी क्या करा, यहां पैसे दे दिए। तो यहां पे इसने पैसे यहां वाले तो दिए ही दिए, प्लस पिछला भी दे दिया इसने, तो पिछला पैसा उसने दिया होगा, तो और पैसा प्लस हो जाएगा कितना, 50 इंटू में कितने, पिछला कितना था 15, तो ये था। आप समझिए कैलकुलेशन को, ठीक है। तो ये आ गया 750, 2500, 25,000 प्लस 750, और ये तो जीरो ही हो गया कटपिट के, तो 49,750 माइनस 15, 25,000। तो सर यहां सवाल में आएगा 24,750। सर कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, सर कॉल्स इन एडवांस कितना आएगा, एक ये है और एक ये है, 25,750, 25,750। सर टू शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल में क्या आएगा, 49,750। सर टू कॉल सिनेरियर, मजे की बात देखो, कॉल सिनेरियर नीचे आ गया, मतलब कॉल सिनेरियर कभी ऊपर आता है कभी नीचे आता है। तो जब हमारा ड्यू होता है ना तो डेबिट होता है क्योंकि लेना है, लेकिन जब रिसीव हो रहा होता है तो वो एसेट्स कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए क्रेडिट आ गया। यहां भी कितना आएगा सर, 750। कैसे आया 750, 50 इंटू में 15, सबके आगे अमाउंट लिख देते हैं, और ये इसका अमाउंट देखना चाहते हो तो ये तो है ही है, इसका अमाउंट देखना चाहते हो तो ये है ही है, बताइए कोई दिक्कत, बताइए कोई डाउट। कैपिटल रिजर्व अभी रिपीट कर देंगे, पहले यहां तक देखिए, अब जाके सवाल पूरा हुआ, सवाल में कैशबुक बोला हुआ था तो बैंक वाली कोई भी हमें एंट्री नहीं करनी थी, वो आप अपने आप खुद बैंक वाली एंट्री कट करके करोगे। तो इस सवाल में देखोगे ना तो सब कुछ इसने पूछ लिया, जितना भी घुमा फिरा के पूछना था इसको तो सारा कवर कर लिया, बस इस सवाल में कॉल्स इन एडवांस नहीं डाला। कॉल्स इन एडवांस मतलब एप्लीकेशन रिसीव और एप्लीकेशन आपका अलॉटेड वाला जो डिफरेंस होता है ओवर सब्सक्राइब, वो नहीं हुआ। सर कैपिटल रिजर्व लास्ट वाली एंट्री दोबारा, कैपिटल रिजर्व एंड लास्ट वाली एंट्री, ओके चलिए। सर कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में जाएगा प्रॉफिट, तो मैं अगर बताऊं प्रॉफिट की बात तो प्रॉफिट कितना किया हमने सर, 2500 रुपए कमाए, लेकिन ये 2500 कमाई 100 शेयर पे, तो कन्वर्ट करो 2500 डिवाइडेड बाय 100 इनटू में 75, तो ये आ गया 1875, यानी आपकी कमाई की बात करें 1875, लेस में लॉस जो नुकसान हुआ ये रहा, तो कितने नुकसान हुए थे सर, 75 इंटू में 25, दैट इज ऑल्सो 1875। तो जवाब है कि आपका तो कुछ प्रॉफिट बचा ही नहीं, तो कैपिटल रिजर्व में इसलिए क्या आ गया, जीरो आ गया, कैपिटल रिजर्व में क्या आ गया, जीरो। और बताइए कौन सा पूछते हैं,